नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर जोड़ा हुआ है तो सब पे चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा, नेट टोटल इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात, सर्किट में आपको पहचानना होगा कि जो कैपेसिटर जोड़ा हुआ है वो सीरीज में है या नहीं। और इसको पहचानने के लिए मैंने ऊपर जो लाइन लिख के रखा है उसमें ये बात जरूर याद रखेंगे, अलोंग सेम या कॉमन पाथ बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हुआ कैपेसिटर जब दिख जाए ना, तब आप श्योर हो जाना कि नहीं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज एक दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है जिसको एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक कॉमन लाइन मैंने लेके रखा है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ और दूसरा पॉइंट बी ले लूँ, इसके बीच एक कैपेसिटर जोड़ दूं, फिर एक पॉइंट यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके बीच एक कैपेसिटर जोड़ दूं, इस तरह से एक पॉइंट यहाँ डी ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी एक कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल तो याद ही होगा, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन के लेंथ सेम होने चाहिए, अलग अलग मत कीजिएगा, मीनिंग बदल जाता है। यानी अलग अलग पॉइंट के बीच ए बी बी सी और सी डी के बीच में तीन कैपेसिटर्स आपने जोड़ के रखे हैं, एक कैपेसिटर सी वन है, एक आपका सी टू है, एक सी थ्री। ओके, अभी आप जब इसको सोर्स से जोड़ देंगे, सेल से आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा, एक टर्मिनल से अगर फ्लो ऑफ चार्जेज स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर Q चला तो यहाँ Q आ जाएगा और प्लस में इंडक्शन के कारण दूसरे प्लेट पे माइनस Q आएगा और इसी का पॉजिटिव जो था वो C2 पे चला जाएगा। ओके, फर्दर उसके नेक्स्ट प्लेट पे इंडक्शन माइनस Q, फर्दर यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इंडक्शन के कारण माइनस Q, और जो नेक्स्ट प्लेट का पॉजिटिव वो सर्किट में रन करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम रहा। ओके, तो ऑब्वियस है चार्ज विल बी सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स, यानी सीरीज में सब कैपेसिटर सेम चार्ज स्टोर करेंगे, है ना। इसको आप मान लीजिए कि क्यों था। अभी कैपेसिटर में आप लिखते क्या हैं, देखिए क्यू इज इक्वल टू सी वी, जहाँ पर याद रखेंगे वी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो अगर हम यहाँ से वी लिखना चाहें, दिस इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, इस इक्वेशन पे ही हम लोग वर्क करेंगे। आपको दिखा वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं वी माइनस वी वी, और इस इक्वेशन के पैटर्न पे हम इसको लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय सी वन, चार्ज तो सब पे सेम है। अगर इसी तरह से वी बी माइनस वी सी लिखें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय C2 और इसी पैटर्न पे VC माइनस VD यहाँ के लिए लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C3। अब चलिए यहाँ भी ऐड करते हैं। ओके, तो ऐड करने पे होगा क्या, दिख रहा होगा B एक नेगेटिव आपको मिला और B पॉजिटिव कैंसिल, C नेगेटिव और C पॉजिटिव ये भी कैंसिल। अब लास्टली आपके पास जो ऑप्टेन हुआ है वो मिला है
वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्यू को बाहर निकाल लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अभी ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं इनको हटा करके आप अगर एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट इसका दिखेगा कैसे, एक कैपेसिटर और वो भी एक पॉइंट ए और अंतिम पॉइंट डी के बीच और सब खत्म, बीच का पॉइंट भी खत्म, सेल से जोड़ना है। हाँ, सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, लाइन सेल के अनइक्वल साइज़ के होते हैं, कैपेसिटर के इक्वल साइज़ के, इसको हम लोग सी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। लुक, लेकिन ये सीरीज का इक्विवेलेंट है तो सी इक्विवेलेंट बोलने के बजाय हम इसे सी एस बोलें तो ज़्यादा क्लियर हो। ओके, अब देखिए यहाँ से जैसे वहाँ पर आपने लिखा था क्यू बाय सी, तो यहाँ वी ए माइनस वी डी अंतिम पॉइंट की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी एस, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 से आ गया, इक्वेशन 2 से। लैंग्वेज का यूज मिनिमम कीजिए, डायग्राम एंड एक्सप्रेशन काफ़ी क्लियर होने चाहिए जिससे सबको समझ में आ जाए। तो अगर 1 एंड 2 से देख लें तो 1 एंड 2 से Q डिवाइडेड बाय CS इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा आपको मिल गया। ओके, अब यहाँ अगर आप देखना चाहें तो हमारा Q बाय सी एस 1/CS इज इक्वल टू क्यू क्यू कैंसिल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह का रिजल्ट आ गया। ओके, ऐसा है कि आप अगर कोई एग्जांपल लेकर के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर और भी कैपेसिटर्स लगे रहते तो हम क्या करते, इसको एक्सटेंड करते थे 1/CN तक। ओके, और अगर चाहते तो इसको समेशन के फॉर्म में समेशन 1/CI भी लिख सकते थे अगर लिखना होता तो। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सप्रेशन हमारे हाथ लग चुका है। अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर C1 की बात करें, 2 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड और ये 8 माइक्रोफेराड हो जाए। ओके, और अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़े। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ ताकि क्लियरिटी थोड़ी सी आ जाए, डेरिवेशन तो हमने कर लिया। तो उसमें अगर आप सी इक्विवेलेंट की बात करें, 1/CS इज इक्वल टू, तो 1/C1 मतलब 2 प्लस 1/C2 मतलब 4 और प्लस 1/8, ऐसा लिख पाएंगे। चलिए, अगर ऐसा आपने लिख लिया तो LCM लेना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अगर आप LCM ले लिए, LCM देख लीजिए कितना आएगा। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, यहाँ पर LCM कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 1 ऊपर हो गया 4, 2, 6 और 1, 7 और बाय 8। लेकिन ये 1/CS का आंसर है। अगर आप CS निकालना चाहते हैं तो CS इज इक्वल टू 8/7 है ना माइक्रोफेराड, और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रोफेराड के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद से इसी क्वेश्चन में बोले कि आपका पोटेंशियल वी ए माइनस वी वी कितना होगा, उसमें आपको चार्ज दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कि चार्ज स्टोर्ड दे रहा है या कोई और वैल्यू, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 70 वोल्ट था। ओके, तो हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट के अनुसार सबसे पहले Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू, टोटल Q इज इक्वल टू CS इंटू वी करेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। और CS आपका कितना है, 8/7, वो भी माइक्रो मतलब 10^-6, और ये 70 वोल्ट है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 8 × 10^-5 कूलम। अब यहाँ से
अगर आप वी ए माइनस वी बी निकालना चाहते हैं तो वो तो क्यू बाय क्या निकलेगा, सी वन, जैसा आप लिखे थे। तो क्यू बाय सी वन, क्यू बाय सी वन कितना होगा, क्यू आपका 8 × 10⁻⁵। और सी वन कितना था, तो सी वन आपका 2 μF, मतलब 10⁻⁶ कर देते तो ये आ जाता 4, है ना, 2 × 4 40 वोल्ट। हाँ, अभी वी ए माइनस वी बी के बाद वी बी माइनस वी सी निकालें तो क्यू बाय सी टू कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, 8 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁶, जो कि सॉल्व करने पे 20 आएगा। और अंतिम में वी सी माइनस वी डी निकालेंगे, ये क्यू डिवाइडेड बाय सी थ्री, ये 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 8 × 10⁻⁶, है ना, कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिया तो आपको ये 10 आएगा। अब आपको दिख रहा है एक चीज़, बड़ी कमाल की चीज़ दिख रही है, दिख क्या रही है कि टोटल जो है वो 70 के बराबर आ गया, तो वही पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। अच्छा, डिवाइड भी कितने कमाल के तरीके से हुई वो भी देखिए, जिसका कैपेसिटेंस कम है वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, वहाँ पोटेंशियल सबसे कम है। ओके, तो ये भी एक आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन सीरीज कम्बिनेशन में भी ड्रॉ हो सकते हैं, वन बाय वन करके आप उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहला तो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि चार्ज विल बी सेम, ओके, इन सीरीज कम्बिनेशन अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। दूसरा कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या, डिफरेंट कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स, है ना, विल बी क्या, डिफरेंट। और एक बात और है कि भी प्रोपोर्शनल टू 1/C, मैंने बताया ना, जिसका सी कम है वहाँ पर भी ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास इफेक्टिव बोलिए, ठीक है, तीन नाम लिए थे हमने, टोटल बोलिए, नेट बोलिए या इक्विवेलेंट बोलिए, सब एक ही नाम है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है ना किस में, तो इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में क्या हुआ, है ना, सीरीज कम्बिनेशन में क्या हुआ, इच विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। देखा ना आपने, क्या हम तीन जोड़े थे, जोड़ने के बाद से 8, 4, 2 का और इक्विवेलेंट 1.1 आया था। अच्छा, वो जो 1.1 आया था ना, उसके बारे में एक और लाइन लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट, है ना, कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा, विल बी लेस देन लोएस्ट का, लेस देन लोएस्ट, है ना, वैल्यू या इंडिविजुअल वैल्यू लिख दीजिए, एक ही बार, इंडिविजुअल वैल्यू, देख रहे थे, वैल्यू कि जो रिजल्ट था 1.1 आया था और यहाँ पर लोएस्ट कौन है, 2 μF।